खबर, अपराधियों पर नकेल कसने की बड़ी तैयारी। अपराधियों के क्राइम का डेटा ऐप पर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस तैयार कर रही है त्रिनेत्र ऐप। नो योर क्रिमिनल के जरिए ऐप दिखाएगा हिस्ट्री, तो अपराधी का पूरा रिकॉर्ड ऐप पर उपलब्ध होगा। नाम, उंगलियों के निशान, रेटिना और जन्म तिथि भी होगी। अपराध के साथ मिली सजा, इनाम की भी जानकारी होगी। 75 जिलों में अपराधियों की दर्ज हो रही है हिस्ट्री। यूपी में अपराध करने वाले दूसरे प्रदेशों के अपराधियों का भी डेटा तैयार होगा। तो त्रिनेत्र ऐप पर डेटा अपलोड होने के बाद पुलिस मॉनिटरिंग करेगी। तो त्रिनेत्र ऐप के जरिए अपराधियों का काला चिट्ठा एक तरीके से डेटा के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। उनसे जुड़ी जानकारियां, उन पर कितनी इनाम राशि रही है, क्या सजा रही है, क्या उनके अपराध हैं, इन तमाम बातों की जानकारी इस ऐप के जरिए उपलब्ध होगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए त्रिनेत्र ऐप के जरिए क्या कुछ फायदा मिलेगा और किस तरीके से अपराधियों को जो डाटा है वो एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, उनके अपराध के बारे में क्या इसका उद्देश्य रखा गया है? बिल्कुल, अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है, जिसमें यूपी पुलिस ने अपने जो ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर अपराधी पकड़ने के बाद लाए जाते हैं, वहां पर स्कैनर मशीन लगाने की व्यवस्था की गई है, जहां पर उनके फिंगरप्रिंट्स, उनका आई रेटिना, उसके अलावा जो बाकी डिटेल्स होंगे जिसमें जन्मतिथि, नाम, जगह, ये सभी डिटेल भरे जाएंगे। साथ ही साथ उनके ऊपर किन किन मुकदमों में कार्रवाई हुई है, क्या अपराध किए, उनके ऊपर इनाम घोषित हुआ तो वो कितना था, उसके बाद अभी की स्थिति क्या है, ये बहुत सारी डिटेल इस फिसूल ऐप पर उपलब्ध होगी। जिसका उद्देश्य यही होगा कि पूरे प्रदेश भर के किसी भी जिले में अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसकी पूरी जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसे आदमी के बारे में जान सके जो इस तरीके के अपराधों में लिप्त रहता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब एक जिले में कोई अपराध करता है तो दूसरे जिले में अगर वो जाता है, वहां पर भी किसी अपराध में पकड़ा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस ऐप के जरिए वहां की पुलिस, वहां के लोग भी ये जान सकेंगे कि आखिर ये अपराधी किस प्रगति का है और इसने क्या क्या अपराध किए हैं, ताकि उस पर कार्यवाही बेहतर ढंग से आगे बढ़ाई जा सके। तो कहीं ना कहीं एक तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी पुलिस कर रही है, जिसमें कोशिश होगी कि सभी अपराधियों का पूरा डेटा हो, वो कहीं भी अपराध करें, कुछ भी अपराध करें, तत्काल उन पर कार्यवाही हो, पुराने अपराधों की उनकी स्थिति क्या है, अगर वो भगोड़े घोषित है या किसी दूसरे जिले के अपराध में वो मिल नहीं रहे हैं, तो इस ऐप के जरिए उनको खोजने में आसानी होगी। यही एक वजह है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस तरीके का डेटा सभी अपराधियों का एकत्र कर इस त्रिशूल ऐप, त्रिनेत्र ऐप पर डाल रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी।